वापस नहीं आए, हाथ उठाकर कर, जो जो वापस आए उसे भी शहीद कर दो। आप सबको अब इजाजत है, अपना सामान बांधें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूँ अली हैदर। नाज़रीन, हालिया डेवलपमेंट आपने देखी, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने आज इस्लामाबाद धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए अपने धरनों को मुल्क भर में फैलाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने इनकलाबियों से खिताब करते हुए ये कहा कि अपना अपना सामान समेटो, अपने शहरों को वापस जाओ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि लाहौर में ही यौम शहदा के दिन खिताब करते हुए डॉक्टर साहब ने यह कहा था कि याद रखो, मेरे और इमरान में से जो इस्तीफा लिए बगैर वापस आए कारकुनों से शहीद कर देना। बाद में इस बयान की उन्होंने तर्दीद भी कर दी, लेकिन उनका ये तकरीर जो है ये ऑन रिकॉर्ड है। नाज़रीन, ताहिर कादरी साहब पहले वापस आ गए हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात जो है वो ये है कि दो दिन पहले यानी इतवार को ताहिर कादरी साहब ने लाहौर में जलसा किया था, वो तब से लेके आज तक इस्लामाबाद में नहीं गए थे। दो दिन बाद यानी आज शाम को वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं और जाते हैं धरना, यानी जाते ही उनके धरना खत्म कर दिया जाता है। वो जब से ये तहरीक शुरू हुई है पहली बार दो दिन के लिए नाज़रीन इस्लामाबाद से बाहर रहे हैं। वो कहाँ रहे, किन किन लोगों से उनकी मुलाकातें होती रहीं और ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई कि जनाब वापस जाते ही उन्होंने धरना खत्म कर दिया। अब इन सब बातों पर बहस शुरू हो जाएगी और आज हम भी इस पर ही एक डिबेट करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमें रईक अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है जी, ताल्लुक है आपका पाकिस्तान अवामी तहरीक से। उनसे सबसे पहले हम वर्जन लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पीटीआई से सानिया कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहबा ने हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर। इसके साथ ही तलाल चौधरी नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगे, नून लीग के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में मौजूद होंगे। सबसे पहले रईक अब्बासी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है जनाब के कादरी साहब ने तो बात की थी कि जो पहले वापस आ जाए उसको शहीद कर दिया जाए, धरना आपने खत्म कर दिया, क्या मकसद इनकलाब लाने का आपका मकसद पूरा हुआ कि आपने धरना खत्म किया? ना ही हमने धरना खत्म किया है, ना ही हम कहीं वापस जा रहे हैं। हमने 60 दिन तक यहाँ धरना दिया, 70 दिन पूरे हुए और अब आज हमने ये ऐलान किया है कि ये धरना जो इस्लामाबाद में महदूद हो गया था, अब इसको हम पूरे पाकिस्तान में लेकर जा रहे हैं, हर शहर में जाएगा। हमारी इनकलाब की तहरीक जारी रहेगी, हम अवाम के हकूक की बहाली की जंग लड़ते रहेंगे उस वक्त तक जब तक अवाम इक्तदार में नहीं पहुंचते, सालमाना निजाम का खात्मा नहीं होता, हकीकी जमहूरियत कायम नहीं होती। और हमने अपने अगले शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है कि अब किस तरह हम आगे जाएंगे। तो लिहाजा ये कहना कि हम वापस चले गए हैं या हमने इनकलाब पे शरा दस्तूर तो खाली हो जाएगी ना आपके लोगों से। रईक अब्बासी साहब, बात हुई थी जगह को छोड़ने की, जगह तो आपने छोड़ दी। हमने तो शारा ये तो नहीं कहा था कि शारा दस्तूर को हम हमारा कोई ये मस्कन बन गया है। ये हमने इनकलाब मार्च पे हम निकले थे, उस वक्त तक तो हमें ये भी नहीं था कि हम शारा दस्तूर पे जाएंगे या कहाँ जाएंगे। लिहाजा एक इनकलाबी जद्दोजहद हमने की है, उसके नताइज निकले हैं, अवाम का शऊर बेदार हुआ है, अवाम में इस निजाम के खिलाफ नफरत पैदा हुई है। फैसलाबाद में आपने मुजाहरा देखा, लाहौर में आपने मुजाहरा देखा, लोगों का एक समंदर वहां उमड़ आया डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की आवाज सुनने के लिए, इनकलाब का पैगाम सुनने के लिए। ज्यादा भी सवाल को घर घर लेके जाने की जरूरत है, इसको हर शहर में लेके जाने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, और ये जो, जो जारी रहेगी। रईक अब्बासी साहब, जब आप निकले थे तो साथ थे, यानी मैं खान साहब की बात कर, निकले से थे तो साथ थे, लेकिन उससे पहले आप जो है वो जा रहे हैं इस्लामाबाद छोड़कर, तो क्या खान साहब से इस सिलसिले में कोई मशावरत हुई, उनको अपने फैसले के लिए आपने अतमाद में लिया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कायदीन के साथ हमारा राबता रहा है और जब यहाँ पर धरने पर शेलिंग हुई, लोग शहीद हुए और जख्मी हुए, उसके बाद ये राबता मजीद मुअसर भी रहा। अब सूरत हाल यह है, चूंकि दोनों पार्टीज अलग हैं, उनकी अपनी अपनी अलग कोर कमेटी है, हमारे साथ चार जमातें हैं। लेकिन आप कजन्स भी तो है ना रईक अब्बासी साहब, कजन से रब्ता नहीं करना था क्या इस फैसला लेने से पहले? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वही बात अर्ज कर रहा हूँ कि उनके नॉलेज में और उनकी इन्फॉर्मेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ लीडरशिप के साथ हमारी मीटिंग जारी रही है और उनके इल्म में था कि हम अब इसको अगले फेज में लेके जा रहे हैं और हर पार्टी अपने लाएमल बनाने में आजाद है। आगे मुहर्रम 3-4 दिनों के बाद शुरू हो रहा है, मुहर्रम के अपने के एहतराम होता है, ठीक है। हमारा धरना 24 घंटे यहाँ पर जारी रहता है, कुछ फर्क है उनके धरने में और हमारे धरने में, बच्चे हैं, ख्वातीन हैं, रात की सर्दी है, ठंड है, मुहर्रम के दिन शुरू हो रहे हैं, लिहाजा
हमने तहरीक को खत्म नहीं किया, धरने को खत्म नहीं किया, उसकी शक्ल को तब्दील किया है और आने वाला वक्त साबित करेगा कि आप देखेंगे कि ये तहरीक अब घर घर जाएगी, हर शहर जाएगी, शहर शहर धरना होगा और जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हमारी अनथक जिद्दोजहद जारी रहेगी। रेखा बासी साहब हमारे साथ रहिए, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा श्री मजारी साहबा ने ज्वाइन किया है। श्री साहबा, मुख्तसर सवाल आपसे, किस तरह देखते हैं आप अपामी तहरीक के कादी साहब के इस फैसले को? देखिए जी, हम उनके फैसले को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा फैसला फर्क है, वो अपनी पार्टी है उनकी और हमारे साथ रابطे थे और हमारी कोऑर्डिनेशन भी थी और ये उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी वजूहात है, कुछ वो खुद भी एक्सप्लेन कर रहे थे और पीटीआई का अपना एक मौकफ है और अपनी एक पोजीशन है और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं समझती हूँ उन्होंने जो फैसला किया वो उनके लिए बिल्कुल बेहतर होगा, अच्छा फैसला उनके लिए होगा, हमने अपने फैसले। लेकिन शीनी साहबा, अगर देखा जाए तो इन 60 दिनों में आप और तहरीक-ए-इंसाफ और पैट जो है वो साथ साथ चलती रही, आप जो है और हर कदम पे हर फैसला जो है तकरीबन साथ साथ लिया गया, इस फैसले को लेने से पहले क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक ने पीटीआई को एतमाद में लिया था, कोई बात हुई थी इस सिलसिले में? देखिए, काफी अच्छे से बात इस पे हो रही थी और हमें इनके ये महसूस हो रहा था और हमें पता था कि उन्होंने अब कुछ डिसीजन लेनी है और हमने उनको अपना मौका बता दिया था, उन्होंने हमें अपना बताया था, तो हमने जिधर हमें कोऑपरेशन करनी थी और आगे जाके भी अगर होगी तो जरूर होगी कोऑपरेशन, तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनका अपना फैसला है, वो इंडिपेंडेंट पार्टी है, हमारा अपना फैसला और राय अमल है। ठीक है, अच्छा चले मैं आपसे आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा इस सिलसिले में कि मैं ये नहीं कहता धरना खत्म हो गया, चले शक्ल तब्दील हो गई, क्या खान साहब भी ऐसे ही अपने धरने की शक्ल तब्दील करने का कोई मंसूबा रखते हैं मुस्तकबिल करीम में? देखिए, इस वक्त तो हमारा धरना एक सिंबल है ऑपरेशन के खिलाफ, रिगिंग के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, तो ये हमारा सिंबल रहेगा, उसके अलावा हमने ऑलरेडी एक्सपैंड कर दिया है धरना हर शहर, बड़े शहरों में हम दे रहे हैं, तो ये हमारी अब मूवमेंट बढ़ती जा रही है, लेकिन ये क्योंकि एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस कह ले, ये सिंबल हमारा रहेगा धरना। ठीक है श्री मजारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तलाल चौधरी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे आप पूरी डेवलपमेंट पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जी, मैं तो इसके कुछ पॉजिटिव चीजें जो है वो कहना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि ताहरुल कादरी साहब एक एजेंडे के साथ आए और वो समझते थे कि निज़ाम को लपेटना चाहिए, कोई वो अपना एक और असेंबलियों को तोड़ दिया जाए और उसके बाद वो इनकलाब या वो एक नया कोई सिस्टम चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि पूरा पाकिस्तान की क़यादत एक साइड पर खड़ी है और उन्होंने फिर, मैं ये समझता हूँ ये अच्छी बात है कि उन्होंने सीखा, उन्होंने टर्न लिया और वो इस निज़ाम का अब हिस्सा बनने जा रहे हैं और उस निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने इंतखाबी अपनी जमात का ऐलान किया और कहा कि मैं इंतखाबात में हिस्सा लूँगा। ये जीत या हार नहीं किसी की, ये सिस्टम की, आइन की और इसकी जीत है और उसके ताहरुल कादरी साहब उसका हिस्सा बने हैं। धरना अमली तौर पर आज खत्म हो गया है और ये जो पीटीआई है इसका धरना नहीं है, वो तो 7 से 10 बजे का एक शो है जो रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाता है और वो भी, वो उसे मैं धरना नहीं कहूंगा, धरना था पीटीआई पैट का जो आज खत्म हुआ है और इसमें पॉजिटिव्स ये हैं कि ये पुरमन रहा बे यहां पर। तो तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा तलाल चौधरी साहब? मेरा ख्याल है कि इस सारे 70 दिन से पैट ने गेन किया है और पीटीआई को आज सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि आज के बाद आप वो देखेंगे कि अब वो बिल्कुल नंगे हो गए हैं, उनकी कोई धरना नहीं रहेगा बल्कि वो सड़क की एक साइड पर 7 से 9 शो चलाया करेंगे। मुझे उम्मीद है, पहले पीटीआई को भी चांस मिला 2-3 दफा, यहां पर उन्हें चांस मिला जब प्रेसिडेंट आ रहे थे चाइना के कि वो मुल्की मुफाद में धरना खत्म कर दें, कुदरत ने उन्हें चांस दिया कि सैलाब आया है अपने उस लोगों के लिए धरना खत्म कर दें जिन्होंने उसे लीडर बनाया वोट देकर, फिर उनको दोबारा अब ये चांस मिला कि वो जरबे अजब हो या आईडीपीज हो, लेकिन उन्होंने ये अपनी फेस सेविंग भी नहीं ली और आज वो खरगोश की सियासत कर रहे हैं, आज वो कोई ऐसी सियासत में छुप कर सियासत कर रहे हैं, इस्तीफे देते हैं तो जाकर मानते नहीं और कोई भी, ये जो धरना है ये अमली तौर पर आज पैट के ऐलान के बाद इस्लामाबाद में धरना खत्म हो गया। ठीक है शर्मिला साहिबा, आप क्या कहेंगी, आप एग्री करती हैं चौधरी साहब की इस बात पर कि
पैट ने गेन किया है और तहरीक इंसाफ ने सिर्फ गवाया ही गवाया है। शुक्रिया हैदर। देखिए, हम कुछ दिनों से ये अफवाहें सुन रहे थे कि ताहिरुल कादरी साहब और हुकूमत के अंदर किसी किस्म का कोई मुकमुका हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक बहुत भारी रकम है जिसके ऊपर ये फैसला हुआ है और वो ताहिरुल कादरी को दी जा रही है। मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रहा था पिछले चंद दिनों से, और ताहिरुल कादरी साहब जो हैं एक आध दिन के अंदर ये धरना ख़त्म कर देंगे। बहरहाल हकीकत क्या है ये तो शायद हमें आने वाले दिनों में उसका अंदाज़ा हो, लेकिन वही हुआ जो हम सुन रहे थे कि ताहिरुल कादरी साहब ने, जिन्होंने वबांगे दहल ये बात कही थी कि बग़ैर इस्तीफ़ा लिए मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, और उन्होंने अपने जो मिन्हाजुल कुरान के फॉलोअर्स थे, जो उसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे, उनको भी ये कहा था, जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि जी वो शहीद कर दिए जाएंगे, और फिर उसकी उन्होंने वजाहत भी दी। तो जनाब, उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो मेरे ख्याल है आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ज़ाहरी बात है कि किसी किस्म की कोई फेस सेविंग करके वो यहाँ से उठ गए हैं। अब देखिए जी, धरना तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ख़त्म हो गया है। अब यही जो है, इन्होंने एक शेड्यूल जो अनाउंस किया जो मैं देख रही थी, 25 तारीख को यहाँ करेंगे, 21 तारीख को वहाँ करेंगे, आई थिंक 25 दिसंबर को कराची में कर रहे हैं, मतलब महीने महीने भर में कोई एक आध एबटाबाद में शायद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है शर्मिला साहिबा के, क्या हैप्पी एंडिंग नहीं हुई कादरी साहब के धरने की? वो जब लास्ट टाइम आए थे ना, तो 7 दिन बैठे थे, 7 दिन बाद हुकूमत ने उनसे मुजाकरात किए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और वो बड़े मोहब्बत से वापस चले गए। तो वो एक वो टॉम एंड जेरी का कार्टून आता है ना, जब वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद कहते हैं दैट्स ऑल फोक्स, बाय बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम। तो ये वो वाला मामला हुआ है, थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हुकूमत ने इसको शुरू से मिस हैंडल किया। अगर ये मॉडल टाउन का वो सानहा ना होता तो शायद ये धरना बहुत पहले ख़त्म हो जाता और शायद उसमें इतनी जान नहीं आती। ये पूरा का पूरा जो उन्होंने धरने में जो जान आई है, ये मॉडल टाउन के वाक़े के बाद आई है, वरना शायद इतनी उसमें इश्यूज ना आते और इतने दिन ये बैठते भी नहीं। बहरहाल अब ये है कि जहाँ तक मिन्हाजुल कुरान का ताल्लुक है, ताहिरुल कादरी साहब का ताल्लुक है, तो हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, टाइम ज़ाय हुआ कौम का, खुद का, रिसोर्सेज का। इस्लामाबाद की जो डी चौक थी वो धरना चौक बनी हुई थी, अब वो ख़त्म हो गई है। आपका पॉइंट आ गया जी। मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं, कादरी साहब ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं थी, मुज़ाकरात नाकाम हुए, आज भी वहां खड़े हैं जहां पहले दिन खड़े थे, तो फिर धरना भी खत्म कर दिया उन्होंने जब कोई पेशरफ नहीं हुई और उनकी बात आगे नहीं बढ़ी। अली, वो शेर है ना कि इसलिए जान के रोका नहीं जाने से उसे, बाद में भी यही होगा तो अभी में क्या है। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल थी, उन्होंने जब शुरुआत की थी तो जाहिर है एक मुख्तलिफ स्ट्रेटजी थी। आपको याद होगा कि ताहिरुल कादरी साहब ने यह कहा था कि 1 सितंबर को एक नई हुकूमत होगी और ये तारीखें आती रही थी इस तरह की, उनकी वो आती रही, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स में ये होता है, ये कोई मेरा ख्याल है इसमें किसी की ह्यूमिलिएशन और वो नहीं होती। पॉलिटिक्स में स्ट्रैटेजीज चेंज होती हैं, आपके फेजेस होते हैं, आप उसमें नाकामी भी होती है, उसमें आपको तब्दील करना पड़ता है। आप जिस जोश के साथ इस्लामाबाद आए थे, इमरान खान भी बहुत जोश में आए थे, वो 48 घंटे 24 घंटे, ये सब चीज़ें इस वक्त तारीख का हिस्सा है। अगर आप वो थोड़ा सा रीकैप करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस पिच पर थे, और T20 शुरू किया था, वनडे पर आए, फिर टेस्ट मैच आए, और अब सीरीज भी खत्म हो चुकी है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह मैं तलाल चौधरी साहब को सुन रहा था, इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत इस चीज को लाइटली ले, इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत ये समझे कि एजिटेशन या मूवमेंट ही खत्म हो गई है। मेरा ख्याल है अगर जो हुकूमत ये समझ रही है तो ये उनको बहुत ज्यादा आगे चल के सेटबैक हो सकता है। चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए, वो डिमांड जो उनकी है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए, उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाए। इसको आप पोलिटिकल माइलेज तो ले सकते हैं। एक पहला फेज मुझे 86 याद है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 83 के बाद 86 की मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मूवमेंट फिजल आउट हो गई।
इसका मतलब ये नहीं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पॉलिटिक्स खत्म होगी। पॉलिटिक्स नहीं खत्म हुआ करती, चीजें होती हैं, सेटबैक्स होते हैं, और सेटबैक से अगर ताहिरुल कादरी साहब, तो कादरी साहब को सेटबैक हुआ है तभी उन्होंने धरना खत्म किया, गजल साहब ये आप समझते हैं? देखिए सेटबैक तो हुआ है, अगर सेटबैक नहीं होता तो आप अगर उनके पिछले स्टेटमेंट उठा के देखें तो उसमें तो ये था ना कि हम बस फौरी तौर पर तब्दीली आने वाली है। अगर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप सिर्फ उनके स्टेटमेंट रिकैप कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। और इमरान खान के अब वो एक जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं, अब उनकी अगली स्टेटमेंट ये आई कि वो चाहते हैं कि वो इंतखाब लड़े, जमहूरी अमल का हिस्सा बने। देखिए ताहिरुल कादरी साहब की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हुकूमत को उनकी उनको जो लोग सुनने आ रहे हैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिस दिन हुकूमत किसी अपने पोलिटिकल ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करती है वहीं से हुकूमत का डिक्लाइन होता है। तहरीक इंसाफ को इस वक्त इमरान खान जो पंजाब में कर रहे हैं, और इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैं शेख रशीद साहब से बात कर रहा था एक प्रोग्राम में, तो उनका उनका अपना वो ये था कि आगे वो एजुकेशन का प्रोग्राम करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है वो अपनी एक्सट्रीम पे जाएंगे, वो किसी भी पार्टी का राइट है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट किस तरह काउंटर करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो मुझे गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी लग रही है वो वेट एंड सी की लग रही है। एक ब्रेक लेंगे जी यहाँ पे, और ब्रेक से पहले मैं आपको ये बता दूं जो हमने आगाज में बात की थी कि इतवार को जलसा होता है कादरी साहब का, दो दिन के बाद वो इस्लामाबाद में आते हैं, ये दो दिन, इन दो दिनों में क्या होता रहा और वापस आने के बाद अचानक से इतना बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया, इसके पीछे क्या महरकत है, इस पर बात होगी। रेख अबाजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हाजिर होते हैं जी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी। तलाल चौधरी साहब, जब इससे पहले बात हो रही थी शर्मिला फारूकी साहिबा से, उन्होंने रेफर किया कि ये खबरें भी थी आम के जनाब हुकूमत ने कादरी साहब से कोई डील की है, उसमें कुछ पैसों का मामला भी है, उसके बाद धरना खत्म करने का जो है वो ऐलान सामने आया। कोई हैरत में आपके बाद कैसी बात हुई कि हुकूमत का रब्ता हुआ था कादरी साहब से इस धरना खत्म करने से पहले? देखिए जी, कादरी साहब से मुज़ाकरात होते रहे हैं, और मुज़ाकरात जो हैं वो उनके वो 10 नुकात पर होते रहे हैं, या मुज़ाकरात फिर ये जो मॉडल टाउन का वाक़या है इस पे जो FIR हुई थी उसकी JIT बनाने के लिए, ऐसी JIT टीम बनाने के लिए जिस पे कादरी साहब और का एतमाद हो उस पर होता रहा है। पैसों की बात जो है बिल्कुल कोई ना हुई है, ना हमने कोई पैसे ऑफर किए हैं और ना इस तरह की कोई बात हुई कोई है। और ऑफर दियो आपने सारी, देखिए कोई और अट्रैक्शन, देखिए हम कोई ऐसी ऑफर नहीं दे सकते जो कानून और आईन के दायरे से बाहर हो। आज का दिन जो है ये पाकिस्तान की कानून आईन और उसकी जिदोजहद करने वालों की जो हिस्ट्री है उसमें ये अच्छा दिन है कि आज ऐसी जमात जो कि आई इसलिए थी कि इस कानून के बाहर से, इस आइन से बाहर कोई मावरा आइन तब्दीली लाकर कोई इनकलाब लाया जाए, आज उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, आज वो उस अमल का उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम इसके नेगेटिव पहलू जानने की बजाय अगर पॉजिटिव पर रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। कादरी साहब के जाने से सबसे बड़ा नुकसान आज इमरान खान को हुआ है। अब ये तब्दीली है जो आई है, और ये वो तब्दीली है कि लोग अब समझ गए हैं कि पाकिस्तान का इस्तेकाम और बका इस निजाम के अंदर है। इमरान खान को भी चाहिए कि अब वो समझ जाए कि पाकिस्तान में तब्दीली अंपायर की उंगली से नहीं बल्कि वोट से आएगी, और वोट जो है जिसे डलेगा वो इस पाकिस्तान में तब्दीली का बायस बनेगा, और वो इलेक्शन 2018 में है। वो मेहरबानी करें, वो बेचारा सूबा KP के जिन्होंने उन्हें मैंडेट दिया है, जो तरस गए हैं अपने वज़रा को, वज़ीरे आला को देखने के लिए, और जहां पर पोलियो नंबर एक पर है, जहां पर खसरा नंबर एक पर है, जहां पर अमनो अमान की हालत ये है कि लोगों को ज़िबा करके वहां छोड़ा जा रहा है, जहां पर स्कूल और हेल्थ कहां है, वो शौकत खानम की तरह क्या हस्पताल KPK में शौकत खानम की तरह चल रहे हैं? क्या तलाल साहब कहीं भी नहीं है? इमरान खान पाकिस्तान में हर जगह ऐसी ही सूरत हाल है, किसी एक सूबे का अहवाल नहीं है,
ये किसी एक सूबे का अहवाल नहीं है, ये किसी एक की बात नहीं। आखिर आगे बढ़ते हैं, शर्मिला साहिबा, इनका फड्डा तो था नून लीग से, कादरी साहब का भी और खान साहब का भी, पीपल्स पार्टी बीच में मसालत का किरदार अदा करती रही, लेकिन बिलाखिर अब नौबत यहां पर आन पहुंची है। कादरी साहब कहते रहे कि मैं गुद्दी से जबान खींच लूंगा, अभी थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि ये दो बनारसी ठग आपस में मिल गए, यानी जरदारी साहब और मियाँ साहब जो है। तो इस तरह से आपका उनके साथ इतने ऑड्स पे चले जाना, हालांकि इनका मसला, इनके मामलात तो हुकूमत से खराब थे। देखिए बात यह है कि जब आप 50-60 दिन धरने के अंदर बैठेंगे तो रोज अगर आप कंटेनर पे खड़े होके आपने कोई ना कोई बात करनी है तो फिर आप उल्टी सीधी बातें इसी तरीके से करेंगे ना। अब इमरान खान साहब की अगर आप बात सुन लें तो वही एक रिकॉर्ड है जो पिछले 60-70 दिन से हम सुन रहे हैं, वही रिकॉर्ड है, वही चीज़ है, वही चीज़ है, वही चीज़ है, वही एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, वही जुमले, फिर वही उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, माँ सिवाय चंद के जो सीनियर हैं, जो दूसरी जमातों से शायद आए हैं, उनकी शायद चंद लोग हैं जो मेरे ख्याल है कि कुछ तमीज़ रखते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पर देखें तो यही ज़बान है, गालम गलोच, अफरा तफरी ये मचाई हुई है। इसी तरीके से ताहिरुल कादिर साहब भी अब रोज़ क्या वो बोलें, जो बेचारे बिठाए हुए थे उन्होंने वहाँ पर, औरतें बच्चे, उनसे वो रोज़ क्या बोलें। अब जाहिर ही बात है किसी न किसी को गाली देंगे, किसी न किसी को बुरा भला कहेंगे, इसी के ऊपर थर्वाइव करेंगे ना। बात यह कि न्यूसेंस वैल्यू तो क्रिएट करनी है, ना कुछ ख़ास कहने को था ना कुछ ख़ास करने को था। अपने ही आप में अगर ये मुतमईन है कि जी इनकलाब आ गया, आज़ादी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, इमरान खान साहब रोज एक कॉन्सर्ट लगाते लेकिन खान साहब तो बैठे हैं, शर्मिला साहब गाते थे, आप कह रही हैं उनके पास करने को कुछ नहीं है, कहने को कुछ नहीं है, लेकिन वो तो बैठे हैं। नहीं बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं? अगर मैं रोज शाम आऊं 8 बजे और 9 बजे मैं वापस चले जाऊं, फिर रात जाऊं, फिर सुबह एक्सरसाइज करूं, फिर घूमूं फिरूं, आ जाऊं, फिर आ जाऊं शाम में, कुछ लोग जमा, बहुत दफा तो ऐसे हुआ इन दिनों में कि आपके टेलीविजन चैनल से दिखाई कि खाली कुर्सियों से खताब कर रहे हैं, वो सिर्फ उनके साथ कंटेनर में जो 20-25 लोग खड़े होते हैं वो हैं, उन्हें खाली कुर्सी से उन्होंने खताब किया है। रोज़ क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए, इमरान खान साहब के पास नई चीज़ बोलने की क्या है? वही एसेट्स की कहानी, वही बिजली की चोरी, वही बिजली का बहरान, वही जनाब असासे बाहर, लेकिन ये सब कुछ तो है ना, इससे शर्मिला साहिबा इससे हम नजरें नहीं चुरा सके। अगर एक शख्स बिजली के बहरान पर बात कर रहा है, अगर एक शख्स जो है वो करप्शन पर बात कर रहा है, तो बात तो सही कर रहा है। नहीं सही कर रहा है ना, लेकिन मैं आपसे कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि 70 दिन से वो एक ही बात कर रहे हैं, भाई एक दफा कर ली, दो दफा कर ली। अच्छा फिर जो उनके पास फोरम है वो नेशनल असेंबली का फोरम है। एक्चुअली तरीके इंसाफ शायद अभी तक इस बात के ऊपर मेरे ख्याल है कि उनको रियलाइजेशन नहीं हुई कि अब वो पार्लियामेंट के अंदर हैं। माजी में जब वो धरने करते थे, जलसे जुलूस करते थे, तो वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं थे, वो इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ा था। अब वो पार्लियामेंट के अंदर हैं और एक सूबे में उनकी हुकूमत चल रही है, फुल फ्लेज हुकूमत चल रही है, वहाँ वो जीरो डिलीवरेंस है उनकी, वो अलग बात है, लेकिन हुकूमत चल रही है। तो भाई अगर आपने चेंज लाना है, तब्दीली लानी है, नया पाकिस्तान बनाना है, तो आप खैबर पख्तूनख्वा की ठीक है सूबे से शुरू करें, और फिर आप बोले कि शर्मिला साहब इन्हीं बातों का और चौधरी साहब की इन बातों का जवाब मैं पीटीआई की नुमाइंदा से ले लूं, ताकि ये भी डिफेंड कर सके या अपना वर्जन रख सके। देखिए चौधरी मैं कमेंट करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि चौधरी शेख रशीद साहब जो हैं उनकी बात पे मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत दफा उनको खुद नहीं पता होता वो क्या बात कर रहे हैं। आपका जो प्राइम टाइम शो है क्या बनेगा फिर उसका? देखिये अली, सबसे पहले तो शर्मिला ने जो बात की उसकी मैं जरा जवाब देना चाहूंगी कि देखिये पिक्चर अभी भी बाकी है, पिक्चर तो अभी स्टार्ट हुई है। अगर कादरी साहब अपना वहां से चले गए हैं, आप देखें वो लोग बेचारे, वो लोग गरीब लोग जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपनी दुकानें बंद करके, अपनी रेड़ियां बंद करके, पता नहीं किस तरीके से इसी भी गुर्बत के पीछे, लोड शेडिंग की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से, पटवारियों से तंग आए हुए वो लोग जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, रोटी नहीं अपने लिए अफोर्ड कर सकते, वो लोग वहां आकर बैठते हैं 60-70 दिन के लिए, वो धरना देते हैं। तरफ बढ़ना था, आपने आगे जाना था, उस दिन खान साहब ने कहा था के पहले काजी साहब आगे बढ़े क्योंकि उनके पास बंदे ज्यादा हैं, हमारे पास बंदे थोड़े, और ऐसा हुआ भी। तो अब तो उठ गए, जब मूव करने की बात है, जब मूव करने की, हम वहीं पे बैठे हैं,
खान साहब ने कहा नहीं नहीं हम चाहे थोड़े लोग नहीं है वहाँ पे, इन्होंने कहा कि 7 to 9 जो हमारा चलता है एक वहाँ पे धरना, वो 7 to 9 नहीं, वो 6 to 3 तक है और वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, मौजूद होते हैं, हमारे भी वहाँ खेमे लगे हुए हैं, हमारा पूरा आज़ादी टाउन वहाँ पे आबाद है। देखिए हर बात पे हम लोग कह रहे हैं, आपसे मिला साहिबा कह रही है बार बार कि आपने एक ही बार डेली दोहराते हैं, हम हक और सच की बात कर रहे हैं, हक और सच की बात तो रोज दोहराई जानी चाहिए। कुरान हम डेली पढ़ते हैं तो क्या मतलब कि हम कुरान पढ़ना छोड़ दें? ये आजादी टाउन आपने सीडीएस से प्रूव करवा ली है, प्लॉट प्लॉट मिल रहे हैं इसमें अब। देखें ये जो है ना ये अवाम की आवाज है। काजी फैज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान अवामी तहरीक के आप सीनियर रहनुमा है। काजी साहब एक आम सवाल मैंने आगाज में जिसका जिक्र किया था, दो दिन यानी इतवार के जलसे के बाद दो दिन कादरी साहब इस्लामाबाद में नहीं थे, उसके बाद जब वापस आते हैं उनका इस्तकबाल भी किया जाता है कारकुनों की तरफ से और बाद में ये अहम फैसला, क्या बातें हुई इन दो दिनों में, क्या मुलाकातें हुई? देखिये जी ये ना मुलाकातों का कोई है, हम अपने फैसले खुद करते हैं और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने जो धरना दिया है ये एक तारीख बन चुका है। ये 67-68 दिन का जो धरना है इसने लोगों की सोच चेंज कर दी है, लोगों के एक एक घर के अंदर इंकलाब का शऊर आ गया है और अब ये धरना पूरे मुल्क में फैलेगा, एक एक शहर एक एक नगर में फैलेगा और जो 5 जलसे हमने अनाउंस किए हैं ये 2-2 दिन का धरना भी इन शहरों में होगा। ये धरना अब मुल्क गिर हो गया है और इस्लामाबाद के शहर दस्तूर के धरने ने लोगों के अंदर शऊर बेदार किया, अपने हकूक लेने का शऊर बेदार किया। डॉक्टर तहरुल कादरी कौम की शऊर का ग्राफ जिस सतह पर ले गए हैं और गुल नवाज गुल के नारे लग रहे हैं, VIP कल्चर के खिलाफ एक तहरीक चल रही है और लोगों के अंदर जुड़त आ गई है, लोगों के अंदर स्टेटस को के टकर काजी साहब एक एडवांटेज आपको जाता है, एक नई टर्म जो अभी अभी जहन में आई मेरे कि आपने इजाद की है वो है मोबाइल धरनों की, मतलब इससे पहले कभी हमने नहीं सुना था, मोबाइल अस्पताल मोबाइल डिस्पेंसरी हमने सुनी थी, अब मोबाइल धरनों के जरिए जो है वो इनकलाब लाया जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कल के दिन कादरी साहब कहाँ थे, इस्लामाबाद में तो नहीं थे? जी कल का दिन डॉक्टर साहब लाहौर में ही थे और आज भी लाहौर से ही आए हैं। कोई खास मुलाकातें हुई जो है दीगर जमातों के रहनुमाओं का? इजलास भी हुआ उसके बाद, हमारी अपनी पाकिस्तान अवामी तहरीक की जो कायदीन है उनका इजलास भी हुआ और हम अपने फैसले खुद करते हैं और हमने जो हमारी इतिहादी जमातें हैं उनको भी एतमाद में लेकर ये फैसले किए हैं और इस धरने ने अपने मकासद अचीव किए हैं। कौम का बच्चा बच्चा आज अगर गो नवाज गो का नारा लगा रहा है और इन करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ, इन कातिल हुक्मरानों के खिलाफ जिन्होंने खून उछाला है, आज 20 करोड़ आवाम के अंदर शऊर है। अच्छा इसमें एक बात मुझे गाजी साहब बताइएगा कि क्या आपने अपने इत्तेहादियों का एतमाद में लिया? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सबसे बड़े इत्तेहादी चौधरी साहबान परवेज इलाही साहब ने कहा था कि धरना अपनी जगह पर रहेगा और शाम को ये फैसला आ गया। नहीं धरना तो बरकरार है भाई, मेरी बात सुनो, धरना जो है पूरे मुल्क में फैल रहा है, हर शहर में 2-2 दिन का धरना होगा और जो पूरे मुल्क के लोग बावजूद अपनी मजबूरियों के मुश्किलात के इस धरने में शिरकत नहीं कर सके वो अपने अपने शहरों में धरनों में शिरकत करेंगे और एक मुअस्सर आवाज बुलंद करेंगे और कौमी हुकूमत का एहतसाब का इंतखाबी इस्लाहात की जद्दोजहद इंकलाब की जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। और डॉक्टर तहरुल कादरी साहब ने कहा कि अगर वर्स्ट सिचुएशन में इंतखाबात कौम पर मुसल्लत भी कर दिए गए तो हम लुटेरों के लिए और इन करप्ट फैमिलीज के लिए 400 खानदानों के लिए हम मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। काजी साहब एक बात जो थोड़ी देर पहले जो है वो थोड़ी देर पहले मजहर अब्बास साहब ने भी उठाई थी कि कजन्स के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं और शायद यही वजह है, क्योंकि आप पहले एहतसाब चाहते हैं, खान साहब मिड टर्म इलेक्शंस की बात करते हैं, यही वजह है कि इस मौके पर आके आपने ये फैसला लिया और खान साहब अभी भी वहीं पर हैं जहां पर वो पहले दिन थे। देखिए अली अदर साहब हर पार्टी को अपने फैसले करने का हक है और तहरीकन साहब जो फैसले करेगी हम उनका एहतराम करते हैं और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने जो फैसला किया है उसको दीगर जमातों को एहतराम करना चाहिए। सियासत का यही हुसन है और जमहूरियत का भी यही हुसन है, हर पार्टी अपने अपने फैसले करने में आजाद है और धरना जो हमने खत्म नहीं किया, इस धरने का वो फैला दिया है, इस धरने को पेशावर से कराची तक। काजी साहब आखिरी सवाल, फतह के जज्बे के साथ जाने का जिक्र किया था कादरी साहब ने, मैं सवाल दोहराता हूं अपना, फतह के जज्बे के साथ जाने का जिक्र किया कादरी साहब ने लेकिन आपके कारकुन वहां पर आंसू बहाते रहे, ये फतह के आंसू थे आपके? ये खुशी के आंसू थे और इस जगह जो एक ढाई महीने उन्होंने गुजारे, इस जगह के साथ एक लगाव हो जाता है, वो
उस चीज के आंसू थे और इस चीज के आंसू थे कि उन्होंने कुर्बानी की अजीम मिसाल कायम की, इस बात के आंसू थे कि 20 करोड़ अवाम के अंदर शऊर बेदार हो गया है, वो अब इन सियासी लुटेरों और 400 खानदानों के लिए यहमल नहीं रहेंगे, गुलाम नहीं रहेंगे। ठीक है, इस चीज की खुशी थी कि डॉक्टर तहरुल कादरी ने पाकिस्तानियों के शऊर का ग्रास आसमान पर पहुंचा दिया, इसलिए आंसू थे। ठीक है, आपका कहना है इनकलाब नहीं आया, अवाम में इनकलाब का शऊर आ गया। नाज़रीन, इसी नोट पर हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस हम तलाल चौधरी साहब से सवाल करेंगे कि पैट का ये कहना है कि गो नवाज गो का जो नारा है वो हर तरफ फैल चुका है, तो वो कैसे समझते हैं कि ये कादरी साहब का एक पॉजिटिव इकदाम है। हाजिर होते हैं जी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी। कादरी साहब का धरना जो है वो नई शक्ल इख्तियार कर गया, इस पर हम बात कर रहे थे। अच्छा, एक और अहम टॉपिक है आज का, वो है अपोजिशन लीडर को तब्दील करने के लिए जो जिस तरह से कोशिश की जा रही है, कुछ उस पर भी हम बात कर लें। तलाल साहब, अब चूंकि खुर्शीद शाह साहब थे, उन्होंने जमहूरी और आपको बचाने के लिए असम्बली में बुलंदबान तकरीरें भी की, उन्होंने साथ भी काफी दिया। अगर कामयाब हो जाती है एमकेएम जिस तरह से बताया जा रहा है, तो आपके लिए तो काफी टफ टाइम दिया हो जाएगा फिर। देखिए, एक तो बिल्कुल इस बात को क्लियर कर लें कि किसी भी जमात ने हुकूमत को बचाने के लिए साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने साथ सिस्टम का दिया, कानून का दिया, जिसका जिस आईन का उन्होंने हलफ उठाया था उन्होंने उसका साथ दिया है। और रही बात अपोजिशन लीडर को चेंज करने की, तो जिसके पास ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा वोट होंगे, वो अपोजिशन लीडर बन जाएगा। लेकिन मैं एमक्यूएम से दरखास्त करता हूँ कि वो अपनी सिंध बल्कि कराची की लड़ाई को कौमी लड़ाई मत बनाएं, वो इस कराची की लड़ाई को कौमी असेंबली में और फिर कौमी मामलात पे ना लाएं। ये वो वक्त है कि जब आगे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन लगना है, जिसमें अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स और बहुत सारे अहम इश्यूज हैं, तो इस वक्त उन्हें चाहिए कि ये अपनी लड़ाई है, इसको अपने घर में पीपल्स पार्टी से बैठकर सेटल करें, इसे कौमी मामला ना बनाया जाए। हमें हम अपोजिशन लीडर अगर कोई नंबर साबित कर देगा तो वो बना देंगे, हमें अपोजिशन लीडर जो है वो नंबर से बना हुआ है और आइंदा भी इसी तरह बनेगा। और अब आप समझते हैं कि तलाल चौधरी साहब, आप समझते हैं कि जो मर्जी बन जाए अपोजिशन लीडर, आपको उससे खतरा नहीं है। मजर अब्बास साहब, टेक्निकली आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ, फर्ज कीजिए अगर एमकेएम की बात मान जाती है और असेंबली कार्रवाई में, क्या वो हिस्सा लेने की मजाज है, क्योंकि वो तो इस्तीफे टेंडर कर चुकी है अपने? मजर साहब तक आवाज पहुंच रही है? गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, मैं यही बात एक दफा रखता हूं सानिया साहिबा आपके सामने। पीटीआई पर अगर एमकेएम जिस तरह से शेख रशीद साहब को राब्ताकार बनाया गया है, आप तो इस्तीफे दे चुके हैं ना, तो क्या आप अपोजिशन लीडर तब्दील करवाने के लिए असेंबली कार्रवाई में हिस्सा लेंगे? अली, सबसे पहले तो जब हम कहते हैं ना अपोजिशन, तो हमारे मुल्क में असल अपोजिशन है ही नहीं। मैं बिल्कुल नहीं समझती, टेक्निकल साइड की जो भी बात है, इस्तीफे हमारे अभी तक कबूल नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते कि अपोजिशन कौन सा चेंज होता है, कोई चेंज होता है या नहीं होता, बिकॉज रोल तो वही प्ले होगा ना जो दो पार्टी अपना करना चाह रही है। तो खबरें तो ये भी है कि शायद शेख रशीद साहब को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, तो आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे उसमें? चले, वो जब अपडेट्स आएंगी तो हम देख लेते हैं। शमीला फारूकी साहबा, क्या कहेंगी सूरत हाल पर आप? तहरीक इंसाफ जो है, क्या इस पोजीशन में है कि वो एक दफा असेंबली से इस्तीफे देने के बाद दोबारा असेंबली कार्रवाई में हिस्सा ले और अपोजिशन लीडर तब्दील करवाने के लिए एमकेएम का साथ दे? देखिए, तहरीक इंसाफ इस्तीफे भी देना चाह रही है, लेकिन दूसरी जाने वो जाके वेरीफाई भी नहीं कर रही है। स्पीकर नेशनल असेंबली उनको बार बार बुला रहे हैं, और अगर उससे दूसरी तरफ देखें तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक भी इस्तीफ़ा नहीं आया। तो अगर इलेक्शन कमीशन जाली है, इलेक्शन कमीशन बुरा है, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी नाकस है, तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए नाकस है ना, इंक्लूडिंग खैबर पख्तूनख्वा। तो वहाँ तो इस्तीफे की बात ही नहीं की जा रही है। अगर इस्तीफे की बात की जा रही है तो सिर्फ नेशनल असेंबली में की जा रही है, और वहाँ भी वेरीफाई नहीं करा रहे। मुझे समझ नहीं आता कि करना एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं। बहरहाल, अगर आज भी वो अपने इस्तीफे वापस ले लेते, क्योंकि अभी तक तो एक्सेप्ट नहीं हुए,
तो जाके वापस नेशनल असेंबली में बैठ सकते हैं, और अगर उनके पास नंबर्स हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मिलें या किसी और से मिलें, जिसके पास नंबर्स होंगे वो अपोजिशन लीडर बन जाएगा। ये तो बिल्कुल एक जिसके पास ज्यादा नंबर्स होंगे पार्लियामेंटेरियंस के वो अपना अपोजिशन लीडर बना लेगा। मजहर अब्बास साहब, आप जरा इसका एक कंक्लूड कीजिएगा, इसको क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा इस पूरी सूरत हाल पर। देखिए बहुत सीधी सी बात है, गवर्नमेंट पे अपोजिशन का एक दबाव है, उस दबाव को गवर्नमेंट को समझना चाहिए, वेट एंड सी की पॉलिसी नहीं इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कहती है कि माशी तौर पर इन धरनों से उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। तो अगर माशी तौर पर धरनों से नुकसान हुआ है, माशी तौर पर उनके जलसों से नुकसान हो रहा है, माशी तौर पे उनकी रैली से नुकसान हो रहा है, तो इस मसले का हल तो निकालना चाहिए। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने अब तक कोई संजीदा हल नहीं निकाला इस मसले का, और अब भी वक्त है दीगर अपोजिशन जमातों के साथ, दीगर जमातों के साथ जो पार्लियामेंट के अंदर हैं और पार्लियामेंट से बाहर हैं, उनके साथ बैठ कर इस मसले का हल निकाला जाए, और मेरा ख्याल है बेहतर हल निकल आ सकता है और ये धरने खत्म हो सकते हैं। इस वक्त जो मौका है, मेरा ख्याल है वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए, इमरान खान और डॉक्टर तहरुल कादरी को ये रियलाइज करना चाहिए कि गो कि उनकी मूवमेंट ने मूवमेंट पिक किया है, उन्होंने और लोग उनकी बात सुन रहे हैं, बड़ी तादाद में उनके जलसों से आ रहे हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए इनिशियली वो आए थे वो मकसद लोगों में शऊर बेदार करना नहीं था बल्कि तब्दीली लाना था। वो तब्दीली बहरहाल पिछले 3 महीने में नहीं आई, अगले 3 महीने में क्या होता है ये PTI की पॉलिसी बताएगी, लेकिन PTI और PAD जो है उनके दरमियान इख्तलाफ है इस बात पे कि एक मिड टर्म की बात कर रहा है और एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा आखिर में ये बता दीजिएगा, क्या नया अपोजिशन लीडर आएगा, खुर्शीद शाह साहब तब्दील हो जाएंगे, MQM कामयाब हो जाएगी अपने इस मकसद में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि PTI का इस्तीफे वापस लेने का मकसद इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी को तस्लीम करना है, तो आप अगर ये कर लेंगे तो पिछले जो 3 महीने में आप किया है फिर उसके लिए कि आप कौम से माफी मांगेंगे कि हमने 3 महीने में जो धरने दिए थे वो हमारी गलती थी, वो हमारी गलती अली भाई मैं एक कमेंट करना चाहता हूं। जी जरूर जी, तरासोदी जरा क्विक कमेंट कीजिएगा। जी देखिए, गो गो करने से तब्दीली नहीं आएगी, तब्दीली वोट से आएगी और वो कारकर्दगी दिखाने पर मिलता है। 2018 में ये इलेक्शन होगा, गो गो के नारों से नहीं आएगी किसी का जाना और आना पाकिस्तान में, सिर्फ वोट से होगा और वो 2002 साहब आप और मैं इस गो गो से तब्दीली नहीं आएगी। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शौकी साहब, मजहर अब्बास और सानिया कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थी लाहौर स्टूडियो से, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, टिल नेक्स्ट प्रोग्राम हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।